दोस्तों ये आदमी 10 साल से पिज्जा ऑर्डर कर रहा था, लेकिन एक दिन इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद इसका ऑर्डर कभी आया ही नहीं। दोस्तों ये है कर्क अलेक्जेंडर, और इन्हें ना डोमिनोज का पिज्जा इतना ज्यादा पसंद है कि ये हर रोज पिज्जा ऑर्डर किया करते थे। और इसकी वजह से डोमिनोज के हर एक एम्प्लॉइज को ये पता था कि ये रोज पिज्जा ऑर्डर करने वाला कौन है। लेकिन एक दिन एक स्टाफ ने नोटिस किया कि कर्क का कुछ दिनों से कोई ऑर्डर आया ही नहीं, तो सबको लगा कि शायद वो कहीं घूमने गए होंगे। और उसके कुछ दिनों बाद मैनेजर ने देखा कि कर्क का लास्ट ऑर्डर 11 दिनों पहले का था, और इस टाइम मैनेजर को लगा कि नहीं कुछ तो गलत है। तो मैनेजर ने अपने कुछ एम्प्लॉइज को कर्क के घर चेक करने के लिए भेज दिया, और जब सब कर्क के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के लाइट्स ऑन है, पर कर्क को बुलाने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा था। और उसके बाद उन्होंने कर्क को कॉल किया पर फिर भी कोई जवाब नहीं मिला, और फिर उन्होंने बिना टाइम गवाए पुलिस को कॉल कर दिया। और जब बाद में सब उनके घर के अंदर गए तो पता चला कि कर्क को दौरा पड़ा था, और फिर बाद में डॉक्टर ने बताया कि अगर एक दिन और लेट हो जाता तो शायद इनकी जान ही चली जाती।